नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर हैं। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बिहार में एक बार फिर से अपराधियों ने नीतीश सरकार के सुशासन को चुनौती दी है और पुलिस के ऊपर ही बड़ा सवाल खड़े करते हुए दिन दहाड़े भरे बाजार में 1 करोड़ से ज्यादा की सोने की लूट कर ली है। मामला मोतिहारी का है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण में बेखौफ अपराधियों ने आज दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जिले के चकिया बाजार में दिन दहाड़े 6 की संख्या में आए अपराधियों ने सोना व्यापारी के 2 भाइयों को गोली मारकर लूट पाट बचाया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधी घटना को अंजाम देकर के आराम से चलते बने हैं। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने दुकान में घुसने के साथ पिस्टल का भय दिखा करके लूटपाट की। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी सुधीर शराफ और पवन सराफ पर गोली चलाया है, जिसमें सुधीर शराफ के हाथ में और पवन सराफ के पैर के हिस्से में गोली लगी है। चकिया थाना नगर पंचायत की वार्ड 4 के पार्षद पवन सराफ का सोना चांदी के जेवरात की दुकान चकिया के सरिया रोड के छोटकी बाजार में है। दुकान में घुसने के बाद हथियार से लैस जो अपराधियों ने दुकान की तिजोरी और गल्ला पर हमला बोल दिया। पूरे लूट की घटना जो है सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर चकिया के डीएसपी संजय कुमार दलबल के साथ पहुंच करके जांच की बात कर रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक जो पूरी लूट हुई है उसमें करीब 1 करोड़ के आसपास के सोने और चांदी के गहने शामिल हैं। सीसीटीवी में आई तस्वीर में घटना को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी करते हुए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। घटनास्थल से पुलिस ने 4 गोली और 2 खोखा भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि घटना के तत्काल बाद दोनों व्यवसायियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर डीएसपी संजय कुमार ने जो है जांच की बात कही है। वहीं दूसरी घटना की जानकारी देते हुए घायल व्यवसायी ने कहा है कि अचानक से दुकान में कुछ लोग जो हैं वो घुसते हैं, हथियार का भय दिखा करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बिहार में पिछले अगर इस साल की बात करें, साल 2022 की बात करें, तो सोने चांदी की सबसे बड़ी लूट है मोतिहारी में, जहां पर स्वर्ण व्यवसायियों से जो है 1 करोड़ रुपए के आसपास के जो सोने चांदी के गहने हैं उसको दिन दहाड़े लूट लिया है। पहले सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। मेरा नाम विकी कुमार सराफ है। दुकान पर मेरे बाजू भैया पहुँच रहा और सुधीर साहब बैठे हुए थे। 4-5 आदमी बंदूक ले ले, सबके हाथ में बंदूक था, सब घुसा है और लगने घुसते सब फायरिंग करना शुरू कर दिया है। गोली किसको लगी है? गोली सुधीर साहब को लगा है और कौन सा को लगा हुआ है? सुधीर को गोली कहाँ लगी है? गोली लगा है। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 5:30 तो बता दें आपको कि ये इलाका जो है वो बेहद पॉश इलाका है, एक तरीके से पूरा मार्केट है, कॉमर्शियल इलाका है, और यहाँ पर दिन दहाड़े जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी तरीके से बिहार के कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं और उस घटना के सामने आने के बाद हर बार पुलिस जो है अलर्ट रहने की बात करती है, लेकिन आप समझिए कि दिन दहाड़े जिस तरीके से एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ जो है दिन के उजाले में अपराधी पहुंचते हैं, लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं, हथियार का इस्तेमाल करते हैं, गोली चलाते हैं और उसके बाद भी जो है पुलिस को इसकी भनक नहीं लगती है और अपराधी जो है बड़े आराम से वहां से निकल जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।